खन्नापुरवा के पीड़ितों के भी सुनो सरकार, अपराधी बाहर पीड़ित अंदर। भले ही प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपराध मुक्त भारत व बेटियों के संरक्षण का दम भरते न थकते हों, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और ही है। और तो और, प्रदेश में बहुचर्चित जनपद उन्नाव, जहां बेटियों व दलितों के साथ निरंतर अत्याचार के मामले मीडिया की सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन फिर भी योगी सरकार दलितों व महिलाओं के साथ हो रहे अपराध पर नकेल कसने में फेल नजर आ रही है। जी हां, मैं बात कर रही हूं जनपद उन्नाव के बहुचर्चित क्षेत्र अचलगंज की, जहां पर आए दिन दलित व महिलाओं के साथ अत्याचार चरम पर रहता है। मामला विगत वर्ष 2020 मई महीने का है, जहां पर अचलगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली प्रीति पत्नी सोनू के घर में आग लगा दी गई, जिसमें थाना अचलगंज में अपराध संख्या 0110/2020 धारा 436, 504, 506 व SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ। उपरोक्त मामले की विवेचना चल ही रही थी कि आरोपी ठाकुर प्रसाद निषाद, अजय व विजय ने पीड़ित व गवाहियों पर हमला किया तथा एक गवाही की पुत्री के साथ छेड़छाड़ की, जिसके बाद थाना आचलगंज में कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। दिनांक 22 जुलाई 2021 को खन्नापुरवा थाना आचलगंज निवासी ग्रामीण ने पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव को एक प्रार्थना पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि गांव के ठाकुर निषाद पुत्र भोला का परिवार गांव के भोले भाले लोगों से वसूली करने की नीयत से अपनी लड़कियों को खड़ा करके फर्जी तरीके से 354 व 376 धारा में प्रार्थना पत्र अचलगंज पुलिस को देते हैं। जो व्यक्ति इनकी मांग पूरी कर देता है वो उनको छोड़ देते हैं और सुलह कर लेते हैं। जो लोग इनकी मांग पूरी नहीं करते उनके खिलाफ मुकदमा लिखवा कर जेल भेज दिया जाता है। इसके द्वारा लिखे गए फर्जी मुकदमे अपराध संख्या 200/2020 धारा 376 डी, 323, 504, 506 IPC व 7/8 POSCO एक्ट तथा मुकदमा अपराध संख्या 247/2020 में गांव के कई निर्दोष लोग जेल में हैं। ये लोग कैसे 354 व 376 के फर्जी मुकदमे बनाते हैं, इस संबंध में सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इन लोगों के द्वारा गांव के कई लोगों व पुलिस के विरुद्ध भी फर्जी प्रार्थना पत्र दिए जा चुके हैं। ग्राम खन्नापुरवा के सभी प्रार्थी गढ़ों ने पुलिस अधीक्षक से सभी मुकदमों में वास्तविकता की जाँच तथा ठाकुर प्रसाद निषाद, उनके लड़के अजय विजय सौरभ तथा पत्नी राजवती, उनकी बेटियां प्रियंका व माया का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास भी है, जिनके FIR की प्रति पुलिस अधीक्षक महोदय को दी गई। गांव के सभी लोगों ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाते हुए बताया कि अगर इन लोगों पर कोई ठोस कार्रवाई शासन प्रशासन की तरफ से नहीं की जाएगी तो पूरा गांव धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होगा। साथ ही प्रार्थी गढ़ों ने बीघापुर CO पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास होने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टे पीड़ितों को ही झूठे मुकदमे में फंसा दिया और जेल भेज दिया। अभी तक उपरोक्त सभी आरोपियों द्वारा सुलह का दबाव बनाने के लिए निरंतर पीड़ित व पीड़ित के परिजनों पर फर्जी मुकदमे करवाए जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या सत्य झूठ के आगे परास्त हो जाएगा। अभी हाल ही में आरोपियों का एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें कुछ लड़कियों द्वारा ये बताया जा रहा था कि मेरे पिता व भाई के लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे करवाते हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पूरे जनपद में तहलका मचा हुआ था। क्या क्या नाम है आपका? हमारा नाम जयकरन कुमार है। कहाँ के निवासी हैं? हम ग्राम खन्नापुरवा में रहते हैं। क्या मामला चल रहा है आपका, लड़ाई झगड़ा? हमारे हम अपने ही घर में अपनी जगह में बंदेश करना चाहते हैं और हमारे घर में छपरा अपना टटिया बांधते हैं तो तोड़ फोड़ के फेंक देते हैं, हमें मारते पीटते हैं और हमारे पापा पे और हमारे दादा पे 376 का केस लगा दिया, झूठा केस। किसने? माया ने। माया ने लगा दिया, झूठा केस लगा दिया। और किसी लोगों पे भी इसने लगाया है? हाँ, और काफी लोगों पे लगाया है। किस किस को लगाया है? कई लोगों के ऊपर लगा रही हैं। करीब 10-15 लोगों पे लगाया जी। पुलिस पकड़े आती है, पुलिस आती है तो देख उन्हीं की कार्रवाई सुनती है, हमारी कोई नहीं सुनती है। क्या नाम है आपका? कहाँ के निवासी हैं? क्या मामला चल रहा है आपका? मुकदमा लगाया? किसने मुकदमा लगवाया है? माया ने झूठा केस लगवाया है। झूठा केस लगाया, बहुत परेशान करती है हम लोग को, आए दिन सब लोग के ऊपर मुकदमा लगाए रहती है। गाँव में आधे लोग के ऊपर यही मुकदमा 76 लगाती है। आपने शिकायत करी थी इसकी? शिकायत करी, कोई सुनवाई नहीं होती। उल्टा हमारे घर वाले जेल काट के आए और वो लोग कोई जेल। क्या नाम है दादी आपका? हमारा नाम है दुबी। कहाँ के निवासी है? क्या मामला चल रहा है आपका? जी, हमारा घर फूंक के हमारे लड़का का जेल भेज दिया। किसने आपका घर फूंका है? ठाकुर प्रसाद के लड़के, ठाकुर प्रसाद।
तो इसकी शिकायत आपने कहीं नहीं की? मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं। FIR आपकी तरफ से दर्ज करवाई गई थी? दर्ज करवाई गई है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या नाम भाई साहब आपका? हमारा नाम विनोद कुमार है। कहाँ के निवासी हैं? ग्राम खन्नापुरा थाना आचलगंज जिला उन्नाव। क्या मामला है आपका? मामला यह है कि हमारी जमीन पे मतलब जिसमें हम मुकदमा लगाए हुए हैं उसमें घर बना लिया गया है। हम ही लोग उपयोग थोड़ी बहुत जमीन उपयोग करना चाहते हैं तो वो लोग उसमें भी रोड़ा लगा रहे हैं क्योंकि वो लोग दमन टाइप किया। किसने कब्जा कर लिया है? ठाकुर प्रसाद ने कब्जा कर लिया है। आप अपनी ही जमीन को कब्जा नहीं कर पा रहे हैं? हमारी जमीन हम ही लोग उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, हम लोगों से उनसे झगड़ा चलता है। आपने कहीं शिकायत करी इसकी? शिकायत थाना और चौकी और यहाँ आज एप्लीकेशन लेके यहाँ उन्नाव SP साहब को आपने एप्लीकेशन दिया है? एप्लीकेशन SP साहब को दिया। क्या SP साहब ने कहा है आपको आश्वासन दिया है? SP साहब ने यही कहा है कि मामला की छानबीन होगी और इसकी तहकीकात होगी और इससे पहले भी हम लोग दे चुके हैं उसकी भी तहकीकात नहीं हुई। आज हमारा करीब 10-12 साल से इनका विवाद चल रहा है। ये लोग इतने दूषित किस्म के आदमी हैं, इनसे सारा खन्नापुरवा अगर उन लोगों से डरते हैं कि उन लोगों के साथ नहीं आना चाहते। और आज हम लोग आए हैं क्योंकि हम लोग पीड़ित हैं, छोटे छोटे बच्चे लेके आए हैं और मजदूर आदमी अगर ऐसे ही आते रहेंगे तो हम क्या खाएंगे, क्या बच्चों को खिलाएंगे? एक क्या नाम है आपका? कहाँ के निवासी हैं? खन्नापुरवा के। क्या मामला चल रहा है आपका? जी कौन चेतर लगा देता है? माया झूठे केस में सबको फंसाती है। लड़कन के पहले जो का हाथ वही पकड़ती है, नाम लगाती है।